मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? लॉगिन कर रहे हैं? यस सर। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ लास्ट ब्लॉग में कि मैं फिलहाल अभी काठमांडू में हूँ और आज भी काठमांडू में ही हूँ और अभी रेडी सेडी होकर जा रहा हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल। तो काठमांडू आए और पशुपतिनाथ टेम्पल का दर्शन ना किए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है यहाँ काठमांडू आना। चलिए चलते हैं। और भाई, कल का जो ब्लॉग था और कल का जो दिन था वो भी बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मैंने बताया था कि चंद्रगिरी हिल्स हम लोग गए थे और काफ़ी मजा आया चंद्रगिरी हिल्स जाके। और ऑन द टॉप ऑफ चंद्रगिरी हिल्स 2512 मीटर पे जाके एकदम फ्रेश एयर मिल रहा था, ब्रीदिंग जैसे लग रहा था कि एकदम फ्रेश ब्रीदिंग हो रहा है। काफ़ी मजा आया। और वो क्या बोलते हैं उसको, जीप कार का भी मजा लिया, नीचे से ऊपर से नीचे आके। और जीप लाइन तो कर नहीं पाया, जीप लाइन का छोटा सा वीडियो बनाया। जीप लाइन कोई और करा था, वीडियो मैंने बनाया क्योंकि वो जीप लाइन जो था बहुत कम दूरी का था, थोड़ा दूर का होता था तो मज़ा आता था, मैं भी करता था, बट मैंने जीप लाइन नहीं की वहाँ पे जाके। और काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, अपने रूम से निकलते हुए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखिए भैया इधर कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बाहर है, मिरर है, मिरर के बाहर कुछ काम हो रहा है। अरे अपना श्रेयस भाई जी एकदम रेडी सेटिंग हो गए। गुड मॉर्निंग बोल भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। तो अभी लिफ्ट लेंगे और सीधा जाएंगे ब्रेकफास्ट एरिया में, ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट पशुपतिनाथ टेम्पल। उधर उधर ब्रेकफास्ट उधर है भाई। मॉर्निंग सर। गाइस, दीज आर द ब्रेकफास्ट आइटम्स एंड हमारे देवो भाई जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सा ब्लॉग में ले लिया जाए, तो वही ब्रेकफास्ट आइटम्स है। एंड दीज आर द आइसक्रीम्स। सुबह सुबह आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा भाई। तो ये सॉल्टी होटल का जो रेस्टोरेंट एरिया है, ब्रेकफास्ट एरिया है, उसका मैं अभी वीडियो ले रहा हूँ। दीज आर द चॉकलेट्स। एंड इधर अपना साउथ इंडियन डिशेज है, जो भी हम बैंगलोर में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हैं वो सभी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन नेपाल वी आर गेटिंग साउथ इंडियन चटनी, यू कैन सी। और ये भैया आप कहाँ से हो? साउथ इंडियन? साउथ हाँ, चेन्नई। ओ, वेरी नाइस, मसाला डोसा बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो मैंने मसाला डोसा अभी खाया और ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। It was very tasty. मसाला डोसा, पनीर डोसा भी मन था खाने का, बट मॉर्निंग यार पनीर डोसा खाने को होता नहीं। घरेलू चाय, घरेलू चिया, इधर चिया बोलता है क्या? चिया बोलता है, ये पानी चिया ही बोलता है। चिया ही बोलता है, ओके। ये नेपाली ब्रेकफास्ट, ये आलू चप है सर। अच्छा, ये आलू चप है। ब्रेकफास्ट पे कितना खाएगा आदमी? देयर आर प्लेंटी ऑफ आइटम्स, बहुत सारा आइटम। नमस्ते नमस्ते, व्हाट आर द आइटम्स हियर अवेलेबल? ऑमलेट सर। ऑमलेट एक आइटम। ओके, so you are egg specialist.
एक आइटम स्पेशली। तो लगभग सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ये हमारे साकिब सर है मुस्कुराते हुए। ब्रेकफास्ट हो गया सर? अरे क्या जब ब्लॉग ही बन रहा है तो यार क्यों ना आइटम्स को भी ब्लॉग में ले लिया जाए। दीज आर द फ्रूट्स, ये मिक्स्ड कर्ड, प्लेन कर्ड, वाटरमेलन एंड ऑल, दीज लस्सी। तो भाई मैंने लस्सी पी है, बहुत ही अच्छी थी लस्सी, थैंक यू। और ये है छास, एक छास भी है। लस्सी के बाद छास पी सकते हैं क्या? नो प्रॉब्लम। ओके, विच क्लियर प्रूफ। और ये अपना रावा भात, रावा भात बोले तो अपना बैंगलोर का डिश आ जाता है, साउथ इंडियन डिश, तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है। ये है पोहा, तो ये है ओमाली, ओमाली विच ओमाली, ये भाई फैट का आइटम है भाई। ले लिया। ओह, दिस इज आवर देवू सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू सर? यस सर, आई डोंट टू टेक यू आल्सो इन माय ब्लॉग। हाँ सर, तो ब्रेकफास्ट तो हो गया अभी ऑलरेडी। चलिए अब चलते हैं लॉबी एरिया में, क्योंकि ऑल आर वेटिंग इन द लॉबी एरिया। और ये हमारे हमारे साकिब सर, ये शिवराज सर, लॉबी एरिया में बाहर में। चलिए अब लॉबी एरिया में चलते हैं, ब्रेकफास्ट का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। एंड जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए भाई काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। दीज आर द ब्रेकफास्ट एरिया। तो यार पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहा था, तो एक्चुअली मेरे माइंड में ये नहीं आया कि हाफ पैंट में मैं पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। एजुकेंसी मैं हाफ पैंट में ही जा रहा था, तो बहुत लोगों ने बोला कि खास करके शिवराज सर ने कि हाफ पैंट चेंज कर ले, फुल पैंट या जींस कुछ है तो पहन ले। तो वैसे भी टेम्पल जो है फुल पैंट या जींस में ही जाना चाहिए, मेरे माइंड में था नहीं। मेरा अपना रूम भाई, एक रूम में दो दो बंदे रुके हुए हैं, तो चलो अभी पैंट चेंज करते हैं। चलो तो भाई अभी मैंने चेंज कर लिया, चेंज करके जींस पहन लिया है, तो अभी सीधा जाएंगे पशुपतिनाथ टेंपल के लिए। इधर ही आएगी। Already all are waiting in the lobby area. The lobby area में सभी वेट कर रहे हैं अपना, तो जल्दी से अभी जाएंगे और कैसे जाना है देखते हैं। यही अपना यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया था।
तो गाइस अभी हम फिलहाल बाय वॉक ही निकल चुके हैं होटल से बाहर, और सॉल्टी होटल से बाहर निकलते ही कुछ दूर वॉक करने के बाद हम लोग कोई व्हीकल लेंगे और लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर है टेम्पल 7 किलोमीटर ओके सॉरी सो सॉल्टी होटल से लगभग 7 किलोमीटर है पशुपतिनाथ टेम्पल, और वहाँ जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं आएगा कार्यक्रम क्या होता है। वी विल डू सम लिटिल बिट शॉपिंग आल्सो, थोड़ा मोरा हल्का फल्का, नेपाल आया है तो थोड़ा मोरा शॉपिंग जरूर करेंगे। हमारा सुरेश भाई एकदम हीरो लग रहा भाई, चश्मा में पूरा तुम भी कुछ कम नहीं दिख रहे हो। ओह माय गॉड, थैंक यू, जैसे दिख रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो राइट नाउ वी आर ऑन द रोड्स ऑफ काठमांडू। क्या भाई, काठमांडू या काठमांडू? दोनों दोनों आर एल एन सर। ओह माय गॉड, मेरा जूता का ये जो क्या बोलते हैं उसको पिता वो निकल गया भाई। तो गाइस एज यू कैन सी हियर द सॉल्टी काठमांडू लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ एंट्रेंस है सॉल्टी होटल के अंदर जाने का, और यहाँ पे हम लोग व्हीकल वालों से बात कर रहे हैं, गाड़ी वालों से। ये सुजुकी अल्टो 800 है ना, तो काठमांडू में जो है ऐसी छोटी छोटी भाड़े की गाड़ी चलती है। कल भी हम लोग शाम को घूमने गए थे तो इसी तरह की गाड़ी से गए थे। तो आज हम लोगों ने जो स्टे किया है काठमांडू में, द सॉल्टी काठमांडू होटल में स्टे किया है, और फिलहाल वेट करते हुए, गाड़ी का वेट करते हुए। तो अभी हम फिलहाल बैठ चुके हैं मारुति सुजुकी 800 के अंदर और जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेंपल के पास, और ये हमारे नेपाली ड्राइवर भैया आराम से ड्राइविंग करते हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम शरण नेगी। क्या है? राम शरण नेगी। राम शरण नेगी। हाँ, के मैथिली अभी है? मैथिली नहीं, मैथिली मैथिली नहीं, हिंदू। मैथिली नहीं आता? मैथिली नहीं आएगा। नहीं आएगा, हम हिंदी आएगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी आएगा, थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, पशुपतिनाथ टेम्पल के पास मैथिली समझेगा ना? हाँ उधर समझेगा। ये काठमांडू के ट्रैफिक पुलिस लगता है। काठमांडू के ट्रैफिक पुलिस, हमारे काठमांडू के ट्रैफिक पुलिस अपना काम करते हुए। क्या भाई, और ये हमारे भरत भाई एकदम मुस्कुराते हुए। हाय बोल भाई। हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग भी बोल दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये हमारा टीम। हाँ, इसको ये बोल दिया। क्या भाई सुरेश भाई, ओ माय गॉड क्या बात है, बहुत बड़ा बॉडी है। एवरीवन हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। क्या बात है सुरेश भाई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हाँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। आज हमारा इस दिन, हम भगवान के दर्शन से हम हमारा दिन स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम शॉपिंग करने वाला है। ओके, हमको क्या क्या मिलने वाला है आज। ओके, अगर इधर तक आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जरूर जरूर जरूर, घर में पूछेंगे क्या लेकर आए, क्या लेकर आए हो। करेक्ट, शॉपिंग इज आल्सो आवर मेन प्रायोरिटी नाउ। राइट राइट राइट, देखना है, देखना है क्या क्या मिलेगा इधर। ओके, और बस मजे करना है, बस मजे करना है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ऐसे एक्साइटमेंट के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर काठमांडू आए तो दो जगह जरूर घूमना है जाके, एक तो चंद्रगिरी हिल्स जाके एक्सप्लोर करना है, एंड पशुपतिनाथ टेम्पल मस्ट गो। चलिए डायरेक्ट मिलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के पास।